तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माऊ जी महाराज की प्रोफेसीज के बारे में। आपको पता होगा हालिया दिनों में माऊ जी महाराज की प्रोफेसी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रही है। हालांकि उनकी वजह कुछ और है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के आखिरी राज और इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें वायरल हो रही है। हालांकि हमने इनकी प्रोफेसीज को काफी पहले डिकोड किया था, उसी का एक हिस्सा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा आजकल मोदी जी काफी ज्यादा इनको बता रहे हैं माऊ जी महाराज को कि कांग्रेस अब आखिरी बार राज करने वाली है या फिर अशोक गहलोत की सरकार आखिरी बार बनने वाली है। इससे पहले जब 2014 में राजस्थान में आए थे, माऊ जी महाराज के दर्शन भी किए थे उनकी पीठ के ऊपर, तब भी उन्होंने एक प्रोफेसी का जिक्र किया था जहां पे गुजरात से डंका बजेगा और फिर दिल्ली में दिया जलेगा। ऐसी भी एक प्रोफेसी है इनकी जिनसे वो खुद को जोड़ के बता रहे थे। खैर, तो माऊ जी महाराज की प्रोफेसी कितनी ज्यादा खास है, मेनली राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस है उनको, तो उनकी प्रोफेसी को लेके वर्ल्ड वॉर और कल के अवतार को लेके भी कुछ चीजें उन्होंने कही थी, उनके ऊपर भी मैंने एक अलग से पार्ट बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं डालूंगा उसको। और बाकी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कलयुग के अंत को लेके कैसे लोग होंगे और क्या क्या चीजें होने वाली है वर्ल्ड वॉर 3 को लेके, सारी चीजें उन्होंने बताई थी अपनी प्रोफेसीज में, उन्हीं को हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखो कैसा है, कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो में पूरा फोकस देने वाले वर्ल्ड वॉर 3 को लेके कि उसको लेके माऊ जी महाराज ने कौन सी भविष्यवाणी की है, और इसकी जो मेन ओरिजिनल फोटो है वो भी मैं एंड में डालूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसको शेयर करने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आपको ये मिल सकता है। खैर, शुरुआत करते हैं इनकी भविष्यवाणियों से। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चोर खे छिड़ जागी, माचे हाहाकार चौगर दे, सुई पे आफत पड़ जागी, रसिया चीन और अमरीका आपस में तकरार होगी, बंदूकें पन तोप छोड़कर बम्बों की वर्षा होगी, सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगा, सबसे पहले रसिया चीन और अमेरिका का हार होगा। अब काफ़ी लोगों की आइडिया आ गया होगा कि ये बता क्या रहे हैं, तो इसमें माऊ जी महाराज के ये भजन के रूप में, असल में उन्होंने भजन के रूप में अपनी भविष्यवाणियों को बताया था, दर्शाया था। तो इन्होंने लिखा है कि सदी 20वीं के आखिर तक जंग चारों ओर छिड़ जाएगी, मतलब पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाएगा, जंग छिड़नी शुरू हो जाएगी। और शुरुआत कहाँ से होगी, इन्होंने क्लियरली लिखा है रसिया चीन और अमेरिका, ये तीनों आपस में लड़ जाएंगे। और अगर वर्तमान स्थिति को आप देखेंगे तो शुरुआत रसिया और यूक्रेन से हुआ है, पर इनडायरेक्टली वो लड़ अमेरिका और रसिया ही रहे हैं, और इसके बीच में चीन काफ़ी समय से जो जंगी जुबानी जंग किए जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत जल्द आपको चीन लड़ता हुआ भी नज़र आ जाएगा। अगर हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणी और बाकी जगहों को और देखें तो आपको पता चल जाएगा, वो आइडिया आ जाएगा। और अभी भी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी चीन से रिलेटेड निकल के आ रही है, तो पूरी दुनिया में तीन देश मेन हैं जो युद्ध को शुरू कर रहे हैं या फिर युद्ध को बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय में भी आप सोच सकते हैं माऊ जी महाराज की भविष्यवाणी कितनी ज़्यादा सटीक साबित हो रही है, मतलब उस समय में उन्होंने पूरी दुनिया से बस तीन देशों का ही नाम लिया शुरू में, और वो तीन ही आज विश्व युद्ध का कारण बन रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं उनकी भविष्यवाणी को लेकर। आगे माऊ जी महाराज अपने भजन रूपी भविष्यवाणी को बताते हुए कहते हैं कि इस बार जो विश्व युद्ध होगा उसमें रसिया चीन और अमेरिका तो लड़ेंगे ही, उसके साथ में ही जो बंदूकों और नॉर्मल तोपों से युद्ध होता है इस बार वो नहीं होने वाला है, इस बार बम्बों की वर्षा होने वाली है। तो आप फिर से देख रहे हैं इस बार का सिनेरियो, अगर देखे कई सारे जो साइंटिस्ट हैं जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी एक चीज़ कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथा विश्व युद्ध लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा। इसका क्लियरली मतलब समझ सकते हैं कि दुनिया के पास, देशों के पास इतने ज़्यादा हथियार आ चुके हैं, इतने ज़्यादा विनाशकारी बम, परमाणु बम, अणु बम, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर इस तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया फिर से एक तरह से बिल्कुल शुरू से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो उसी चीज़ को फिर से दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे माऊ जी महाराज कह रहे हैं कि सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी, सबसे पहले रसिया चीन और अमेरिका की हार होगी। इसमें भी वही चीज़ को दर्शाया गया है, वर्ल्ड वॉर 3 की सिनेरियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया है कि जब ये तीनों की आपस में तकरार होगी तो पूरी दुनिया में गुट बन जाएंगे, जो कि पिछले जब वर्ल्ड वॉर हुए थे तब भी ऐसे सिनेरियो बनाया गया था, और तीसरे विश्व युद्ध में भी ऐसा ही होगा कि अलग अलग गुट बन जाएंगे पूरी दुनिया में, जैसे कि हर बार होता ही, और सबसे पहले जो नाश होगा वो चीन, अमेरिका का होगा और रसिया का। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत ऐसी बिगड़ी बिड़ जाएगी, 60 साल 10 साल भीतर होंगे हर घमसान। एक दो लाइन कटी हुई है इसमें, तो उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं एंड में फ़ोटो दिखाऊंगा तब आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से भी डिकोड कर सकते हैं। खैर, आगे हम चलते हैं। यहाँ माऊ जी महाराज बता रहे हैं कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत ऐसी बिगड़ेगी, 7-8-10 साल के भीतर हाके रह घमसान रहे,
आगे एक लाइन कटी हुई है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप लोगों में जब एंड में दिखाऊंगा तो आप उसको शायद अगर पढ़ पाएं तो देख सकते हैं। देशा की आबादी कट के थोड़े से रह जाएंगे, तो यहाँ पे दो लाइनों में इन्होंने एक तरह से भविष्य के दर्शन करवा दिए गए कि जब दुनिया का हालात ऐसा बिगड़ जाएगा, जब ये तीन देश आपस में भिड़ेंगे, दुनिया में गुट बन जाएंगे, तब जो देशों की आबादी है वो बिल्कुल घट जाएगी। जो मालिका भी ऑलरेडी बता रही हैं आपको कि जब कलयुग का अंत हो चुका होगा, सारी प्रक्रियाएँ ख़त्म हो चुकी होंगी जो भी कुछ होना है, तो उसके बाद में एंड में दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता, हालांकि मालिका के कुछ डिकोडर बताते हैं, पर प्रॉपर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर बिल्कुल कम रह जाएगी इतना जरूर से लोग कह सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। कहीं कोसा पे मारल बाबे चौगर से जंगल बियाबान, कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी इस कस्तू पर छांगेगी, माँ बच्चे ने नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगी, महल पटारी माया सारी छोड़ के भाग जाएंगी, जहरीली गैसों के माकर घुट घुट के मर जाएंगी, ना दफना नहीं बहाए लाशें ने नहीं जलाए जाएंगे। तो ये बहुत ही भयानक भविष्यवाणी मैं बता रहा हूँ आपको। ये भी एक तरह से विश्व युद्ध का ही माहौल दिखाया जा रहा है कि उस समय में लोगों की जो जमीन जायदाद जो लोग इकट्ठा करके बैठे हैं अपने सीने से लगा के बैठे हैं वो भी छोड़ के लोग भागेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। और मतलब आबादी इतनी कम हो जाएगी, इतना मतलब युद्ध की भीषणता होगी कि हर जगह मतलब शहरों में भी जंगल उगने लगेंगे, वहाँ पे फिर से हरियाली होने लगेगी। उसके बाद जो भविष्यवाणी है वो देखिए, माँ बच्चे ने नर नारी ने छोड़ जान बचावेंगी, यानी माँ बच्चे को छोड़ के नर नारी को छोड़ के मतलब रिश्तेदार अपने मतलब रिश्तों को त्याग कर अपनी जान बचाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। उसके साथ ही जो अपना धन बान सब छोड़ना पड़ेगा, और ये अगर यूक्रेन के लिए देखा जाए तो उनके लिए तो ऑलरेडी ये सच हो चुकी है, यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये ऑलरेडी भविष्यवाणी सच हो चुकी है, पर ये माहौल पूरी दुनिया में होने वाला है, तो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल ना लें। और ये सारी भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है, जागृत करने के लिए है, अवेयर करने के लिए, तो इसको उस रूप में ही लें। आगे इन्होंने बताया कि जहरीली गैसों से लोग घुट घुट के मर जाएंगे, मतलब जब बॉम्ब और अणु परमाणु बम चलेंगे तब इससे जो जहरीली गैसें निकलेगी उससे लोग घुट घुट के मरेंगे, जिसके बाद ना तो उनको दफनाया जाएगा, ना पानी में बहाया जाएगा, और ना ही उसको जला पाएंगे। अगर आप लोग परमाणु बम के इफेक्ट देखेंगे तो उसके बाद यही हालात होते हैं असल में, तो शायद वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको डिकोड कर सकते हैं, एंड में मैं आपको पूरा ये पेज दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको पा सकते हैं। गिद्दड़ कुत्ते मियाँ खाए ना, लाश पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, जब होगी तकरार देखकर सबका नक्शा फट जाएगा, धमाके को बलवान भ्रम ने भूमि ऊपर पड़ जाएगा। इसमें भी वही चीज़ को आगे बढ़ाया गया है कि जो ऐसी लाशें होंगी जिनको ना जला पाया जाएगा, ना बहा पाया जाएगा, ना ही दफना पाया जाएगा, उनको ना तो कुत्ते खाएंगे ना गिद्ध खाएंगे, वो पड़ी पड़ी ही सड़ जाएंगी। इसके अलावा दुनिया में जो तकरार होगी उसके बाद दुनिया के नक्शे पूरी तरह से बदल जाएंगे, जो कि हालात होने ही है। तो आप खुद समझ सकते हैं, ये बहुत ही ईजी भविष्यवाणी है जिनको आप पढ़कर सीधा डिकोड कर सकते हैं, और बहुत ही भयानक भविष्यवाणी भी हैं कुछ। तो आपको क्या लगता है इन भविष्यवाणियों को लेके, और अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपके पेज आ रहे हैं यही हैं वो ओरिजिनल भविष्यवाणियों का, आप इसे देखकर अपने अनुसार भी डिकोड कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको क्या लगता है कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा है, जोशीमठ में अभी आपको बताएं अभी के समय में कैसी स्थितियाँ हो रही हैं, और ना सिर्फ जोशीमठ में आपको बता रहा हूँ, ये पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर हो रहा है, उत्तराखंड हिमाचल नॉर्थ साइड में कई इलाकों में ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। उत्तरकाशी का एक गांव तो इसका जीता जाता सबूत है, उसके ऊपर आप और रिसर्च कीजिए, आपको और चीज़ें पता चलेगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा।